बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है अल्लाह पाक दे करम और फजल दे नाल तुसी बिल्कुल ठीक ठाक होवोगे। तो मैं तुहाडा भाजी हाजी नईम अहमद, मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी दे मिले स्टार्ट कर रहे हैं अज दा न्यू व्लॉग। हाँ जी दोस्तों, अज का व्लॉग स्टार्ट किया आया तो दिखा रहे हैं परली साइड से जरा जनरल बस स्टैंड जरा साढ़े फैसलाबाद का सब तो व्डा जरा लारी अड्डा। तुम पता पाकिस्तान का खेड़ा नहीं पता नहीं मैं जनाब तुम दसना फैसलाबाद का जरा सब तो व्डा लारी अड्डा जरा परला गेट तुम दिखा रहा सर जनरल बस स्टैंड वो सी गेट आउट का कि अड्डे चो जी भी गड्डी आउट होनी है भर के होवे किसी तरह होवे इंट्री जी परली आउटसाइड तो होनी जिहड़ा है दूसरा गेट तो दिखा रहा सा ये जनाब इंट्री आ इधरों गड्डी जिहड़ी भी इंट्री होनी है ना लारी अड्डे दे विच वो इस जगह दे उत्थे आके खलोएगी। यह रक्शे वाले जिन्ने खलोते ने ये सवारी अगों लैके जाते ने निकल जाते ने और जिस तरह बलोच वालियां दी गड्डी आके खलोती तुसीं देख रहे हो यह इंट्री हैगी है जिस तरह बस आ रही इंट्री। तो मजीद जी कोई है जी अच्छी जरा स्टैंड आ जाके यानी कि तुम दिखावे कि साढ़े फैसलाबाद अड्डे के बचों केड़ी गड्डी केड़े शहर से जाती किन्ने स्टैंड है बने हुए ये हर चीज़ जी है ना थानू अज के ब्लॉग के इतने जनाब दिखावे कि किस तरह की यानी कि साड़ा लारी अड्डा व्डा है तो किस तरह केड़ी गड्डी इतों जा रही है जी इंट्री आके गड्डी इतने खलो गई सवारी ला रही। अच्छा जी गेट इंट्री तो बाद जी है ना अगे बस की इंट्री जी वो ऐ जगह जी जनाब बस अपनी इंट्री करवाती है तो जी जगह तो मैं इस टाइम खलोता आया ये हैगी है पनाहगाह लारी अड्डे की पनाहगाह फैसलाबाद जी तख्ती लगी है इफ्तिताह पनाहगाह जनाब फैसलाबाद जनाब इमरान वजीर आजम साहब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनवरी 2020 दे विच जनाब ये बनया पनाहगाह लेकिन पता नहीं इस टाइम बंद कर दिता कि चलता लेकिन ये साढ़े लारी अड्डे की पनाहगाह अगला जिहड़ा लारी अड्डा स्टैंड तुहानू जहा के दा। अच्छा जी जिस तरह ही घूम के इंट्री अंदर हुंदी है ना उधरों घूम के बंदा अंदरली साइड जांदा नाल ही होटल वगैरह काफ़ी सारे शुरू हो जाते खाने छाना हर शह मुर्ग पुलाओ मुर्ग चने हर शह यानी कि जो भी खाने पीने की चीज़ है ना तुहानू इत्थों मिल जाएगी। उस तो पहले जरा सब तो पहला जरा स्टैंड नज़र आ कमो बेस जड़े है ना ये स्टैंड कमो बेस 40 होने हैं सब तो पहला स्टैंड है जनाब गोजरा बरासता जहांगीर जलंधर दो नंबर स्टैंड है जनाब मियाँ वाली चनेर सरगोदा खाली कोई नहीं गड्डी लगी हुई। अच्छा तीन नंबर स्टैंड है जनाब शाहकोट बरासता ननकाना साहब गड्डी लगी हुई फ्लाइंग कोच जी इस टाइम तैयार है जाने वास्ते। अगे जी चार नंबर जड़ा रावल पिंडी पिशावर बड़ा एसी गाड़ियाँ लेकिन गड्डी राजनपुर की खलोती सवारी कोई नहीं अजे है बरनला खिचिया दयालगढ़ पाँच नंबर स्टैंड के उत्ते टोबा टेक सिंह छे नंबर जनाब बरासता पैंसरा गोजरा सत नंबर अमीपुर बुआना
लगी गड्डी अजे छोटी गड्डी लगी 8 नंबर स्टैंड हैगा जनाब पैंसरा गड्डियां 72 मौजूद सियाल इधरली गड्डी छोटी गड्डी लगी दस 11 12 13 काफ़ी स्टैंड 11 नंबर ते हैगा जनाब शोरकोट पैंसरा गड्डी लगी है। अच्छा जी हर जगह के उत्ते जाने वाली गड्डी हैगी सादकाबाद लाहौर ननकाना जिस तरह जिहड़े जिहड़े स्टैंड ते गड्डी उत्थे उत्थे ते जिथे जिथे गड्डी जांदी उत्थे उत्थे ते लिखी है। ਲੋਚ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਨਕਾਣਾ ਚੜਾਲਾ ਪੁੱਛੀਆਂ ਝਾਮਰਾ ਸਦਿਆਣਾ ਗੱਡੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਲੋਚ ਲਈ ਆ ਕੋਟ ਅੱਗੂ ਜਾ ਰਹੀ ਜਨਾਬ ਰਾਜਨਪੁਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ये भी बलोच खलोती है लिया कोट अदू होट शपीर नहीं कर रहे हैं। शपीर टाइम लाहौर जा रहा जनाब लै सवारियां तो लड़ाई हो ਬੱਤੀ ਨੰਬਰ ਸਟੈਂਡ ਆ ਜਨਾਬ ਰਾਵਲ ਪਿੰਡੀ ਮੋਟਰਵੇ ਪਿੰਡੀ ਪੱਟੀਆਂ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ 'ਚ ਪੋਲੀਓ ਦਾ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਵਲ ਨਗਰ 35 ਨੰਬਰ ਉਕਾੜਾ ਸਜਾਣਾ ਤਾਂਦਲਾ ਕਸੂਰ ਬਰਾਸਾ ਫੂਲਨਗਰ ਜੜਾਂ ਵਾਲਾ ਖਿੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਕੀ ਮੋਲਖੰਡਾ ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਰਾਇਮੰਡ ਸਾਦਕਾਬਾਦ ਲਿਆਕਤਪੁਰ ਖਾਨਪੁਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ 37 ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਵਲ ਪਿੰਡੀ ਬਰੀਦ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲਾ ਲਾਲਾ ਮੂਸਾ ਖਾਰੀਆਂ ਜੇਲਮ ਕੋਸਤਾਨ ਟਾਈਮ 38 ਨੰਬਰ ਸਟੈਂਡ ਫੋਟਾਬਾਦ ਸਟੈਮ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ ਮਰੋੜ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਸਾਈਵਾਲ ਆਰਾਵਾਲਾ ਭਾਵਲ ਨਗਰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਲਾਰੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਰੀ ਐਡਾ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰਕਬਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਹੈ ਕਿ 40 ਸਟੈਂਡ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰੀ ਆਊਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸੈਲਾਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਖਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦੋ ਟਾਈਮ ਤਿੰਨ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਖਾਣੇ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਵਸੀ ਰਕਬਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਏਰੀਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੱਸ ਟਰਮੀਨਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸੈਲ ਬਣਦਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਕੀ ਹੈਗੀ ਮੌਜੂਦ ਇੱਥੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਰਕਬਾ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਦੇਖੋ ਪਾਰਕ ਏਰੀਆ ਬਣਿਆ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਮੁਸਾਫਰਖਾਨਾ ਬਣਿਆ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹੈਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਸਟ ਕਰਨੀ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅੰਦਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਪਾਰਕ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ
बहुत बड़ा पार्क बनाया हुआ ताकि लोग जड़े बैठे खलोते सुते ये तो नज़र आ रहे यह रस्ता जरा सीधा बाहर इंटरी की तरफ जा रहा तो अगे जो पार्क बनया हो सारा वैसे ही खुली जगह छड़ी हुई है। देखो इधरले पासे भी है बहुत सारा एरिया काफ़ी एरिया जरा छड़िया हो अगे मैं तुम दिखाना बच्चों के सामने भी जरा ना मुसाफरखाना नज़र आ रहा जिते काफ़ी सारी दुनिया बैठी हुई है। यह छोटे बच्चों के खेलन खुलन खिलौने भी लाए हुए टाइम पास करने वास्ते कि पींगा लाइया हुई ने छोटे बच्चों दियाँ। हाँ ये है सारा एरिया लारी अड्डे का। इस वजह से बहुत बड़ा एरिया क्योंकि देखो मुसाफरखाना ना लोगों के बहन जगह बनी हुई ये है बैक एरिया यानी कि स्टैंडा की बैक साइड के उत्ते तो नज़र आता होना सारे इस तरह लगे हुए नंबर यह नज़र आता होना उपर सारे लिखे जिस तरह फ्रंट के उत्ते मैं तुम दिखाए ना नंबर लगे हुए कितने कितने स्टैंड जाते किड़ियाँ गड्डिया। देखो पूरी पार्किंग यानी कि बनी हुई है ये बैक साइड तो गड्डिया इंट्री होंदिया ने अगली फ्रंट साइड तो निकल दया ने सैडा तो जिनी भी सब वर्कशॉप एरिया ए हूँ तो नज़र आता होना सब ए इंट्री है जिहड़ी गड्डी ने जिहड़े स्टैंड ते जाना इत्थों दी इंट्री है। सर्विस स्टेशन विच बनया है। अच्छा जी आ भी देखो नवी 2024 मॉडल किदां आई जे पसंद। अच्छा हमको सिखा रही है। हाँ जी यह बैक साइड ते जिदा मैं तुहानूं दस रहा सब वर्कशॉप एरिया बहुत वड्डा वर्कशॉप एरिया जिहड़ियां गड्डियां दे कोई कम शम होण वाले पिछे आके खलो जांदियां ने। यह गड्डिया सब तैयार होने वाली खलोतियां होनी वर्कशॉप पाई लोगों दी जी जी ए देखो कुछ तैयार हो रही है डेंटिंग पेंटिंग वेल्डिंग जे वो जिस तरह का भी कोई काम है उस तरह का काम हो रहा है। ज़्यादातर वर्कशॉप एरिया बैक साइड से बहुत बड़ा तैयारी देख लो जिस तरह मैं तुम्हें दस रहा ना कि बैक साइड सारा वर्कशॉप एरिया है ए गड्डी की तैयारी लग रही कट वट ठीक कर सही कर सब ये भाई जान इतना वसी और इतना वड्डा लारी अड्डा है ना कि तुहानू सुबह तो लैके शाम तक फिरते रहिए तो अड्डा नहीं फिर सकते बहुत बड़ा वा। देखो डेंटिंग वेंटिंग का कलर का काम हो रहा ना जड़ियाँ तैयार गड्डिया होंगे वह भी इतने देख लो जिस तरह तुम दसिया गड्डी तैयार होंगी हर तरह की गड्डी का काम हर तरह का काम हो रहा जिस तरह की कोई गड्डी नवी तैयार हो रही पुरानी तैयार हो रही है देख लो कलर चलर होएगा यह गड्डी माशाला तैयार है तैयार हो रही। अच्छा एड्डी गड्डी उची होंगी नहीं जिहड़ी गड्डी का थलों काम होना होंगे या काम हो रहा होंगे ना देखो जिदा मैं थले आ गया वो कट वट सौ बड़े कम शम होंगे ने थले जो स्पेयर पार्ट के करने वाले इस वजह तो गड्डी जी स्टैंड के उत्ते लगाई हुई पूरी बाडी में इंजन वगैरह नहीं आया कढ़िया आया चुकया आया होना सारा इधर पिछली साइड से वर्कशॉप ए भी देखो माशाल्लाह किसी की गड्डी तैयार हुई है किसी ने पैसे लाए ने सुपर इतफाक लाहौर जड़ां वाला माशाल्लाह किसी की बड़ी प्यार मोहब्बत गड्डी तैयार हुई है। सीटा नवी लगियां ने इलैक्ट्रीशियन वगैरह का काम हो रहा है। बिल्कुल आखिरी साइड है जनाब लारी अड्डे की इस तो पिछे दुकाना है कोई स्पेयर पार्ट दिया ने कोई होर वगैरह है कोई
सारी वर्कशॉप है, गड्डिया का कलर वगैरह तैयार होना, डेंटिंग पेंटिंग हर चीज़ सब कुछ जरा वो बिल्कुल आखिरी साइड है। यह जनाब उ आखिरी बाजार है लारी अड्डे का। देखो इधर आखिर एंड दे गड्डियां खलोतियां होंदिया ने काम शाम होने वास्ते। यार सामने जरा रस्ता उ आउट गेट जरा तो होंगे है भी लारी अड्डे के पिछले जिनी गड्डी आउट होंगी है इस रस्ते होके आखिर दे एंड एंट्री गेट दी दूसरी साइड पर रह जो तुम दसिया कि बहुत काफ़ी अगे यह रस्ता किधर जा रहा है तुम जाके ही दिखाने भी यह रस्ता किधर जा रहा कि साइड पर जा रहा है। लारी अड्डे की बैक साइड है जी नूर शाह वाली रस्ता है जाता अगे तुम दिखाने कब्रस्तान बाजार जरा सारा। अज जुमेरात है जी लोगों का रुझान भी बहुत ज़्यादा। बाबा जी हर पबलिक सरकार के रंग में लगे हुए बाबा जी कमरा अली हाकम साहब कभी तशरीफ लग गए Thank you।
जी दोस्तों आज की आवारागर्दी कैसी लगी थानू साड़ी जनाब मैं आ गया इस टाइम घर बाहरों फिरदे तुरदे थानू फैसलाबाद का बल्कि पाकिस्तान का सब तो वड्डा लारी अड्डा जिहड़ा अज थानू विजिट करवाया फैसलाबाद का भी यानी कि 40 स्टैंड है हर जगह तो हर जगह के उत्ते हर इलाके से हर शहर च उतों गड्डी जा रही तो जनाब तुहानू सारा विजिट करवाया। उस तो अलावा फिर पिछली साइड के उत्ते लारी अड्डे की बैक साइड के उत्ते बाबा जी सैयद बाबा नूर शाह वाली सरकार उन्हां दी भी तुहानू थोड़ी जियारत करवाई उन्हां दा मुकम्मल जिहड़ा वी लोग किसे दे नाल लहदा तुहानू बनावांगे उहनू लहदा दसांगे। तो जनाब अज दा वी लोग तुहानू साडा जिहड़ा तुहानू बहुत अच्छा लगेगा तो वीडियो भी बहुत प्यारी लगेगी। ऐनक इस वजह तो लगाई सी कि किते शौक नाल नहीं लगाई हुई सी भी यार कित शोकी तो लाई या बंदे यार लगाते या यार बल्कि धुप की वजह तो लगाते लेकिन मैं तो लगाई से देखो अखा ये इनफेक्शन जरा आईज इनफेक्शन जरा कहते अखा का चलिया वो साढ़े तक भी जनाब पहुँच गया। तो कोई नहीं अल्लाह की जात पा खैर करेगी मालिक कायनात थोड़ी हर तरह की मुसीबत परेशानी दूर करे मालिक थानू हर बुरे वक्त तो बचावे तो अल्लाह पाक थोड़े ते करम करे तो ठीक है दवावां विच याद रख्या जे तो मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी दे मेले उन्हूं अच्छा लगे तुहानू तो उन्हें सबसक्राइब जरूर कर लेना वीडियो लाइक करिया करो बैल आइकन जरूर दबा देना ताकि हर आने वाली वीडियो का जिहड़ा नोटिफिकेशन तुहाडे तक पहुँचे। तो खुश रहो आबाद रहो दवावां सानू भी याद रख्या जे अल्लाह हाफिज़।